हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब 5,000 करोड़ की भूमिका निभाता है। वहीं बात की जाए तो शिमला का जो अपर शिमला वाला क्षेत्र है वो सेब बहुल क्षेत्र है। इसके साथ ही कुल्लू और कुछ मंडी के इलाके, किन्नौर, ये भी जो है वो सेब बहुल क्षेत्रों में गिने जाते हैं। मौजूदा समय में सेब की जो स्थिति है वो कुछ खास नहीं है। बागवान परेशान है, बागवान कई चीज़ों से परेशान इसमें बोले जा सकते हैं, चाहे वो मौसम की मार है या फिर सेब के अच्छे दाम ना मिलना, इन चीज़ों को लेकर बागवान लगातार परेशान है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सेब की मौजूदा स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार है। हम यहाँ पर बागवान से ही बात करेंगे। महेंद्र सिंह काटा जी हमारे साथ है, बागवान है, अपर शिमला से संबंध रखते हैं। मौजूदा समय में सेब की क्या स्थिति है उसको लेकर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। मौजूदा समय में सेब की क्या स्थिति है और जो जलवायु परिवर्तन का असर है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है सेब के ऊपर? देखिए भाई साहब, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे बागवानी क्षेत्र की बातों को जनता में उजागर करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप आगे तक पहुंचाते भी हैं और हमारी बात को भी पहुंचाएंगे। जो वातावरण और जलवायु की बात आप कर रहे हैं, हमारे नेचर की जो बात है, हमने बागवानी में सेब जो हमारा बागवानी का एक ऐसा हब है जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को बहुत फायदा होता है, तो हमारे क्षेत्र में इससे जो हम जलवायु और वातावरण से जो हमारे क्षेत्र को नुकसान होता है, बागवानी को नुकसान होता है, उसमें आज तक अभी तक बागवान लाचार अपने को महसूस करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गलतियां तो हम लोगों की है कि हमने अपने जंगलों को काटना शुरू किया, इससे मौसम में फ्लक्चुएशन आई है। अब आपको मैं बताऊं कि मौसम ने करवट ली है, सर्दियों में बर्फ़ का कम गिरना है ना जी, और फिर आजकल के टाइम में अब जो समय है हमारी बागवानी के लिए, आजकल का समय ऐसा है जैसे गर्भवती महिला का 9वां और 10वां मंथ होता है, उस तरह का हमारा ये टाइम रहता है। इस टाइम में सेब को इतना अच्छा मौसम चाहिए होता है, 15 से 25 के बीच टेम्परेचर चाहिए होता है, बल्कि हो क्या रहा है आप सामने देख रहे हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप लग जाती है, तो उससे मौसम में फ्लक्चुएशन रहती है और उससे हमारे जो सेब के टाइम, ये जो पीक टाइम होता है, सेटिंग में बहुत दिक्कत आती है। इससे हमारी जो फसल की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है।